रक्षा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप सभी मौजूद मेहमानों को रक्षा का सबसे पहले नमस्कार। तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, वाकई मसलर कर रही हूँ बात करते करते, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब मेरे सामने हैं और हमारे इस खूबसूरत एल्बम मंजिल के लिए यहाँ आए हैं। मैं सच बोलूँ, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे आपके सामने क्या बोलना है। जो सच है वो अपने आप निकल आएगा। ये माइक मैंने पकड़ा, लंबे अरसे तक ये माइक मेरे हाथ में था, लेकिन जिस तरह से मैं चाहती थी वैसे नहीं। समझ गए होंगे आप, मेरे सारे भाई यहीं बैठे। मीडिया मेरी चॉइस नहीं थी। जब से बचपन से होश संभाला मैंने, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गाना चाहती थी। क्या बात, तालियां। जिंदगी ने सब कुछ दिया, नाम शोहरत सब जो मिलना चाहिए था, जितना उस समय में जिस काबिल थी, लेकिन खुशी और सुकून नहीं था। 15 साल जो दर्द नहीं गा पाने का हो रहा था ना, उसे संभाल के दिल में संजो के रखा था, और वो दर्द अभी इस एल्बम की खुशी के रूप में आपके सामने है। क्या बात, तालियां। और सच में ये माँ सरस्वती, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरी माँ, जिनकी आवाज़, जिनके वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले, वो बिल्कुल सा लगाना भी नहीं जानती थी। सच में हारमोनियम दिखा ही नहीं था कभी। मेरी 40 पुश्तों में मेरे नाना तरफ से और मेरे पिताजी की तरफ से किसी ने गाना नहीं गाया, कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मेरी माँ के वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले विरासत में। तो मैं उनकी, आज वो यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो आज मैं उन्हें याद कर रही हूँ। जो भी हूँ मैं, माँ, पिता, मेरी फैमिली, गुरु और ये माँ सरस्वती और ईश्वर, एंड नथिंग विदाउट देम। और मैं बहुत बहुत दिल से हरिहरन जी, सच में मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ इनके साथ मेरा डेब्यू एल्बम आ रहा है। क्या बात, तालियां एक बार। राजीव महावीर मेरे 20 साल लगभग 20 साल पुराने दोस्त हैं। ये मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे कि रक्षा, क्या तू सब काम कर रही है, मीडिया कर रही है, बिजनेस कर रही है, मगर तू गा नहीं रही। ये बहुत दुखी होते थे, जैसे मैं दर्द पाल रही थी ये भी पाल रहे थे, हम दोनों के दर्द एक साथ मुकम्मल हो गए। क्या बात, संदीप जी, यू ट्रस्ट मी अ लॉट। इन्होंने जो विश्वास मेरे अंदर दिखाया वो बहुत बड़ी बात है। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा कैमरा कभी फेस नहीं किया, आपके जैसा कैमरा टीवी में एंकरिंग हो ये सब किया, लेकिन जब कश्मीर ये मुझे ले गए तो मुझे ये पता था कि ये मुझ पर विश्वास करते हैं ना, तो ईश्वर मेरा हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। सच बोलूं, बिल्कुल सच है ये मेरे सब। कहाँ गुरुजी, कहाँ गए गुरुजी? ये राजीव है। मैं कोई लंबे ख्वाब, बड़े ख्वाब नहीं देखती थी। घर में जब बात करती थी अपने भाई से तो बोलते थे करियर में क्या करना चाहती हो, तो बोलती गाना सीखना है मुझे। कभी ये नहीं बोला कि मुझे माइक पकड़ के स्टेज पे गाना है। सच तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि संदीप और राजीव जी ने मुझे इस रास्ते पे, सही रास्ते पे वापस लेके आए। उन्होंने मुझे ऐसे गुरु दिए, कौशल जी जैसे। क्या बात, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको वो शब्द, आभार आप समझ रहे होंगे मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी आंखों से, कि वो शब्द नहीं है मेरे पास आप सबको शुक्रिया कहने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। क्या बात। मैं चाहता हूं कि पहले वो बैठ के सुने आराम से और फिर हम उनको बुलाएंगे, ठीक है? हाँ, हम आपकी तारीफ करेंगे। हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे, छोटे से निवेदन पे, इतने सरल, कहते ना जो पेड़ पेड़ जितने फलों से लदा होता है उतना छोटा होता है। ये देखिए आप, क्या बात है, बात जोरदार तालियां रमेश सर के लिए। मेरे बड़े भाई हरी भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा उनका, पेंडेमिक में हम लोग दोनों भाइयों ने काम किया और
यही बताएंगे। एक नेचुरल एक रविश जो है गाने में गायकी, क्योंकि हिंदुस्तानी गायकी जो है गानों में कम दिख रहा है, सुनाई देता है। मतलब ऐसे लगे कि जगहें जो हैं जिस तरीके से होना है वही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आप संतूर के फ्रेज गा रहे हैं या वीणा के फ्रेज गा रहे हैं या गिटार के फ्रेज गा रहे हैं, आप गायकी गाइए ना। तो ये जो है ये मुझे गानों में भरपूर लगा। और क्योंकि ये मतलब ऐसे खानदान से हैं तो क्या कहूं मैं, बड़ा मजा आया। मैं बोला चलो राजीव करते हैं करके। और तालियां तालियां एक बार जोरदार तालियां। बाबू बाबू ये तालियां तालियां मत करो यार, ये लोग बड़े उलझे मतलब सुलझे हुए लोग हैं। उलझे हुए सुलझे हुए लोग हैं। तो बड़ा मजा आया। और सच में कह रहा हूं, देयर इज आर्ट व्हेन द कंपोजिशन इज टाइट। टाइम नहीं लगता गाने में, बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि जब हम गाना गाते हैं तो ये जो गला है वो पानी की तरह चलता है और कंपोजिशन उसे रास्ता दिखाता है कि ये है, गा लो बस, खत्म हो गई बात। तो ऐसा लगा मुझे। ऑल द बेस्ट। तो एंड ही वाज अमेजिंग। जस्ट एक दिन में पता नहीं मेरे कमाल ने मेरे को हीरो लग बना दिया। क्या क्या शॉट्स ले लिए हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो। क्या बात, क्या बात। अब तो तालियां बजनी चाहिए। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस गुरु। गुड गुड गुड, यू डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच। शी हैज डन द ग्रेट जॉब बिकॉज़ शी वाज डेडिकेशन एंड पैशन इज या। हमें भी, मैं भी शिष्य अभी भी हूं, सीख अभी भी रहा हूं। ऐसे लोग बहुत लोगों का जूठा खाकर ही सीखना चाहिए। अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। गुरु अच्छा ही होता है और अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य भी चाहिए। जैसे शिष्य को बहुत अच्छा गुरु चाहिए। मेरे गुरु ने, मेरे फादर ने ये कहा कि अच्छे गुरु को शिष्य भी अच्छा चाहिए ताकि वो सीख सके। तो ये मेहनत, पैशन, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, क्योंकि हम रोज रियाज करते थे तो देखते थे कि क्या स्ट्रगल हो रहा है, अपने परिवार से नहीं मिल पा रही है, रियाज कर रही है क्योंकि मंजिल तक पहुंचना था। तो शी इज हियर नाउ एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर ग्रेट फ्यूचर। एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन। थैंक यू राजीव सर, संदीप सर एंड हरी सर इज ऑलवेज वेरी काइंड टू द फैमिली। टू कम एंड सिंग विद देम इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली। इनका गाना उनके साथ होना एक आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है। हमें भी ये आशीर्वाद मिला है। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग। एंड जी एक मुझे जिक्र करना है, उनका नाम है पंडित के महावीर जी, जो इनके पिताजी हैं। और ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर्स ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली। एंड क्लासिकल हो, लाइट क्लासिकल हो, किस तरीके से लफ्जों को अदा करना सुरों में, ही वॉज अ जीनियस। एंड उनके आशीर्वाद से ही सब चल रहा है। बिल्कुल, थैंक यू संदीप। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सबको। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने दोनों वीडियो देखे तो रक्षा की जैसी जर्नी थी वैसे ही मुझे इसे प्रेजेंट करना था वीडियो में भी। तो वीडियो में ये डिसाइड हुआ कि पहला गाना हमने जो दिखाया कश्मीर का, तो ये खुद ही अपने वीडियो की मॉडल है। इतनी खूबसूरत इसकी अदा, एक्सप्रेशन, कैमरा समझती है। उस ठंड में एक पतली सी साड़ी पहना के मैंने इसे -4 में खड़ा कर दिया। एंड शी डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो मुझे दिखाना था कि इश्क जो है वो यूजुअली म्यूजिक वीडियोस में आप क्या देखते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं और रोमांस चल रहा है और सिंगर कहीं और ही गा रहा है। तो मुझे वो कभी बात जमती नहीं है।
जो अपने गाने के बारे में रक्षा कर सकती है या हरी भाई कर सकते हैं वो नहीं होता। अब इनका इंट्रोडक्शन है गाने की फील्ड में, तो इश्क जो है वो लड़का लड़की में हो ऐसा नहीं। इनका इश्क था कि मैं गजल में और संगीत में नाम करूं, और इन्होंने एक सपना देखा पहले वीडियो में कि क्या कभी मेरा कोई गाना अ लेजेंडरी हरिहरन जैसे सिंगर के साथ होगा। तो वो कड़ी बनाई मैंने उस वीडियो में, और जो वो पेंटिंग कर रही है कश्मीर में, और सेकंड वीडियो में आपने देखा कि वो पेंटिंग दी गई, तो वो एक जर्नी थी। तो उसको बनाना, समझना, इट वॉज अ ग्रेट सपोर्ट, और राजीव जी से मैंने जो जो मांगा वो मुझे मिला। बट हम सब लोग तो ये काम करते आए हैं, करते रहेंगे, दुआएं रहेगी, बट रक्षा हैज प्रूव्ड 100% ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर। और उनका कहते ना मुकाबला ही सामने, मतलब ऐसे शेर के साथ हो गया, जिनको जन्म लग जाता है हरी भाई के घर की घंटी बजाने के लिए। हर सिंगर का ये सपना है कि वो हरी भाई के पास खड़ा रहे। हमारा तो परिवार है, और ये रक्षा की जो जर्नी शुरू हुई, तो शी डिजर्व दिस, एंड हरी भाई हैज वेलकम्ड हर इन दिस, एंड राजीव जी हैज डेकोरेटेड दिस होल थिंग। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सारे लोग मीडिया हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारे सारे डिग्निटरीज बैठे हैं, और एक शख्स जिनके हाथों से ये होने हैं, वो उनको आई थिंक रक्षा ही इन्वाइट करे स्टेज पे, तो बहुत अच्छा है। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं दो दो मिनट नहीं, ढाई ढाई मिनट अपने शायरों को भी दूंगा, वो बहुत दूर से आए हैं। क्या बात, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी टीम और मेरे साउंड इंजीनियर यहाँ देवेन कोश्यारी जी बैठे हुए, प्लीज देवेन भाई आप भी आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। इन लोगों के बिना, मेरे प्रोग्रामर्स के बिना, मेरी टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आनंद भाई भी आए हुए हैं, आनंद भाई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक टीम को आप देखें कि एक गाने के पीछे कितने लोग होते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं, रूमी भाई आपको अभी बुला लो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले लेडीज फर्स्ट, अंकिता जी अपना, इनका गाना है अधूरा प्यार। नमस्कार आप सब जो यहाँ पे सभी जन उपस्थित हैं, माफ करें मैं थोड़ी सिंपल हिंदी बोलूंगी, आदत बनारस से हूँ मैं, इसलिए ऐसी हिंदी बोलती हूँ, बंबई की आदत लग रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ राजीव जी की, जिन्होंने ऐसे नायाब शायरों के बीच में मुझ जैसी एक नाचीज नादान शायरा को ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा, और उन्होंने कबूल फरमाई हमारी नादानी इस एल्बम के लिए। अधूरा प्यार है जिसकी याद में दिल है बेकरार है, इन नजरों को जिसका इंतजार है, कोई और नहीं वो मेरा अधूरा प्यार है, अधूरा प्यार है। बहुत सुंदर सुरीली आवाज में सजाया है रक्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड हरी सर इज प्रेजेंट हियर, सर इट्स एन ऑनर टू शेयर स्टेज विद यू, इट्स एक्चुअली अ ड्रीम डे टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। सभी को आदाब, आप सभी को और हम सभी को बहुत मुबारकबाद कि ये खूबसूरत एल्बम आज रिलीज हुआ है। अब मैं अपनी बातों की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले अभी रक्षा जी ने बताया कि राजीव सर से हमारा जो रिश्ता है वो 20 साल पुराना है, तो आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 21 साल है। और ये बात मैं प्रूफ करता हूँ, और ये जो गजल ली गई है इसमें हैदर साहब की हैदर नजमी, ये मेरा फख्र है मेरे लिए कि वो मेरे भाई होते हैं। ये गजल भी इसका आखिरी शेर लिखा नहीं गया था और उनका इंतकाल हो गया, और मैंने इसका अक्सर ने कोशिश की उसे कंप्लीट करने की, बहुत अच्छा शेर हो गया वो। तो उनके लिए और राजीव भाई के लिए ये एक शेर में बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने काम से जवान रहते हैं कि महके हुए लम्हों में खुशरंग ख्यालों में, महके हुए लम्हों में खुशरंग ख्यालों में, देखा है तुम्हें जब से रहता हूं उजालों में, रुकने ही नहीं देता चलने का जुनू मुझको, जैसे हूं कई सूरज इन पांवों के छालों में। क्या बात। और अब पद्मश्री उस्ताद हरिहरन साहब इस मंच पे हैं,
वैसे तो अगर तारीफ की जाए तो अल्फाज बोने और तारीफ बड़ी है, लेकिन फिर एक शेर में आपकी तारीफ को बांधना चाहूंगा कि हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, मेरी जबां जो कभी जिक्र तेरा करती है, और मेरी गजल से बयां सूफियों का किस्सा है, गजल जो कहता हूं एक रोशनी उतरती है। ये फैली हुई रोशनी के लिए तालियां, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत से नवाजा। मौसीकी के बड़े उस्ताद को सलाम मेरा। हॉल में बैठे तमाम मुअज्जिज़ सामीन को नमस्कार। मैं अनुराग सिन्हा, बहुत इस बड़ी सेना का छोटा सा प्यादा हूँ। अभी सबकी बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा जैसे कानों से अमृत गुजर रहा हो। ये जिंदगी के बड़े बड़े मराहिल हैं जिनसे होकर के हम मंजिल तक पहुँचते हैं। मेरी दुआएं हैं कि ये एल्बम अपनी उरूज पे जाए, जेनिथ को प्राप्त करे, और हरि भाई का साथ है, महावीर सर का साथ है, कौशल सर का साथ है, और रक्षा जी आपने बहुत अच्छे से, हम क्या कहें कि हरि भाई के साथ में अब सोच में एक, आप तो एक गायिका हैं, हम लोग एक नगमा निगार होकर के ये नहीं सोच सकते कि हम हमारी गजल को ये आवाज़ मिलेगी। अभी हरि भाई को भी सुन रहे थे और महावीर सर को भी, सबको सुनते हुए अगर आपकी इजाज़त हो एक हिमाकत करना चाह रहा हूँ आपके सामने। एक शेर याद आ गया मुझे अपना, अगर आप कहें तो तरन्नुम में कह दूँ। प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदे, प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदे, तुम रहो पास मैं बैठा रहूं आंखें मूंदे। क्या बात, यहाँ बैठे तमाम लोगों को मेरा नमस्कार आदाब। संदीप भाई साहब और राजीव भाई साहब, कौशल भाई साहब, सबसे मेरा बहुत घरेलू रिलेशन है, इन लोग का प्यार है। संदीप भाई साहब के साथ मैंने बहुत सारे एल्बम लिखे हैं, और जब पहली बार मुझे राजीव साहब भाई का फोन आया तो मैं काम में था, बोला तोफी भाई ऐसा ऐसा कुछ करता है, मैं बोला ठीक है मेरे को आधा घंटा टाइम दीजिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैंने 8-10 चीज़ सुनाया, बोला आप सेंड कर दीजिए। ये भाई साहब का जो ऐसी मेहरबानी है कि इन्होंने मौका दिया पहली बार गजल, पहली बार ही कहा हूँ मैं, गीत अब सूफी तो बहुत है लेकिन गजल पहली बार कोशिश किया हूँ। पता नहीं आप लोग एक शेर सुनाओ। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात, क्या बात। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जी, मैं अच्छी आवाजें सुनने को मिली हैं, मुझे अपनी आवाज बुरी लग रही है, लेकिन यह है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहाँ बुलाया गया, और इतना खूबसूरत अभी जो मैंने जो दो गजल सुनी है वो बहुत खूबसूरत है। और एक चीज मैं जो अभी बोलना चाहूँगा रक्षा के बारे में कि गाती तो अच्छा है, ये बोलती बहुत अच्छा है, इन्होंने जो कहा बड़े दिल से और बहुत अच्छे शब्दों में कहा। और मुझे एक शेर याद आ गया इनकी स्ट्रगल के ऊपर गाने की, जो जो
होस्ट है, उन्होंने गजल सुनाई बशीर बद्र की के, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात। तो उसमें बशीर साहब मुशायरे में पढ़ रहे थे तो लोग दाद दे रहे थे, तो मलिक ज़ादा मंजूर अहमद एक शायर थे, उन्होंने कहा कि बशीर साहब आप कितने लकी हैं, आपको इतनी मोहब्बत मिल रही है। तो उन्होंने उसी वक्त एक शेर कहा जो इनके लिए जाता है कि ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। तो तकलीफ से गुजरता है आर्टिस्ट अब ये। और दूसरा ये कि हरी भाई, जैसे मैं राइटर हूँ तो मैंने कुछ सारे जितने भी इंडस्ट्री के हीरो सबके साथ काम किया है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी हीरो के बारे में हम लिखने जब मैं बैठता हूँ आँख बंद करके तो पता लगता है कि इसकी लिमिटेशन है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, ये ऐसा। एक गोविंदा अकेला ऐसा हीरो है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी कुछ सोच को कोई रोकता नहीं है कलम, कि जो मैं लिख दूंगा वो करेगा। ऐसे ही हरी भाई का गला है कि मुझे लगता है कि कोई कंपोज करने बैठता होगा तो उसको लगता होगा कि मैं जो कंपोज करूंगा ये उसको उतनी खूबसूरती से निभा लेंगे। और बस सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। संदीप, इनसे मेरा कम दिन का तारुफ है मगर ऐसा लगता है पिछले कई जन्मों का है, इतनी मोहब्बत हुई, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कौशल, राजीव, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मैं सबका, मतलब मैं सबसे छोटा आर्टिस्ट इसलिए हूँ कि मैं तो कमरे में बैठ कर लिखता हूँ, ये जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत और बहुत तपस्या लगती है। तो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि ये एल्बम जो है रक्षा का बहुत बड़ा हिट हो, लोग सुने हुए आगे बहुत सारे अच्छे और एल्बम बनाएं, बहुत गाएं और कला की सेवा करें और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचती रहे, सबका कलाम पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि संजय भाई ऊपर आए, स्पेशली आए हैं, मैं इनका एक बुके से स्वागत करें। राजीव जी, संजय भाई ऊपर आइए प्लीज। और मैं चाहूंगा मेरी मम्मी और मेरी भाभी यहाँ बैठे हैं उनके लिए प्लीज तालियां बजाएं, उनका आशीर्वाद के बिना ये हो ही नहीं सकता, और वो है तो सब कुछ है जी। बेटा एक बुके और बाकी था ना। संजय भाई आप यहाँ आइए। हरी भाई आप, हाँ हमारे बड़े भाई यही हैं। अब एक लाइन जरूर, मैं एक लाइन एक शेर पढ़ना चाहूंगी रोमी जी के लिए, और स्पेशली रोमी जी के लिए, और ये शायरों पे बहुत भक्ति है ये लाइन, ये जहां तक मुझे याद है ये मजरूह साहब की लाइनें हैं। मुझसे चलता है, मुझसे चलता है सरे बज्म सुखन का जादू, मुझसे चलता है सरे बज्म सुखन का जादू, चांद लफ्जों के निकलते हैं, चांद लफ्जों के निकलते हैं मेरे सीने से, मैं दिखाता हूँ ख्यालात के आईने सबको, सूरतें आती हैं बाहर मेरे आईने से। अब आप लोग एक एक करके एक हरी भाई खोलेंगे और एक रूबी भाई खोलेंगे। तालियां। मंजिल अ म्यूजिकल जर्नी फॉर रक्षा, प्लीज ब्लेस हर और उसको आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए हम लोगों के, हम लोग ऐसा ही म्यूजिक करते रहें और लाते रहें। ये बात, पोस्टर सही होना चाहिए बस। तालिया, तालिया, अब तो तालिया बज दी चाहिए, जोरदार तालिया। ये बात, कौशल खोलो बेटा, उसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी हुई। आई 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 वुड लाइक टू थैंक टी सीरीज फॉर सपोर्टिंग अस, राजचन्ना जी, सोनू जी एंड हिज एंटायर टीम, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, माफी चाहता हूं, लेकिन हर किसी की कड़ी जुड़ी हुई है, तो प्लीज सपोर्ट दिस एल्बम, रक्षा को आशीर्वाद दें, हमें आशीर्वाद दें, और यूं ही हम लोग ओरिजिनल म्यूजिक करते रहें। प्लीज ब्लेस अस, थैंक यू सो मच।